तो गाइस वेलकम टू द मोटो ब्लॉग। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम। हम अभी हैं कुल्लू में और रॉयल एनफील्ड का नया शोरूम खुला है यहाँ पे कुल्लू में। तो वहीं से बस हमें डिलीवरी लेनी है अपनी नई हंटर 350 की। तो चलते हैं और लेते हैं अपनी नई बाइक की डिलीवरी। तो बस अब अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने शोरूम पर और मेरे दोस्त वगैरह पहले ही पहुँच गए हैं शोरूम पर। वो वहीं से मिलेंगे मेरे को, तो चलते हैं और आपको मैं नया शोरूम भी दिखाता हूँ जो नया खुला है कुल्लू में, और वहाँ से बाइक भी लेते हैं। और रॉयल एनफील्ड का शोरूम आपकी आंखों के सामने है। तो बस हम पहुँच चुके हैं और गाइस हम पहुँच गए हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम। तो बस बाइक लेने की तैयारी है, बिलिंग वगैरह अंदर हो गई है और हमारी बाइक दिखाते हैं आपको। वो लगी हुई है सामने तैयारी पे, इनमें पेट्रोल वगैरह भी डाल दिया है। अभी बस बाइक लेते हैं और फिर चलते हैं, बाकी दिखाएंगे आपको कैसी है बाइक चलने में भी, चला के भी देखेंगे एक बारी, फोटो ब्लॉग पे थोड़ा सा रिव्यू देंगे आपको कैसी है बाइक। बाकी अभी डिलीवरी लेते हैं और चलते हैं। तो ये रही अपनी बाइक हंटर 350 रेवन रेड। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक की डिलीवरी हो चुकी है और फोटोज वगैरह ले रहे हैं बस, और तैयारी है बस अब चलने की। फोटोग्राफर कौन था? बहुत बहुत मुबारक हो प्रणव भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस फाइनली डिलीवरी हमने ले ली अपनी हंटर की और दिखाते हैं आपको इसका फर्स्ट ऑफिशियल स्टार्ट। आवाज सुनाता हूँ मैं आपको इसकी। टक्के मार रही है भाई, अभी तो स्टॉक के एग्जॉस्ट है। चलो चलते हैं पेट्रोल पंप पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है भाई चलो इधर से। ऐसी बोलो भी ऐसी बोल रहा है चलो पिछले चलो चलो। डिलीवरी हो गई है हंटर की, अब चलते हैं फ्यूल वगैरह करते हैं इसको। भाई फुल कर दो। ₹1110 का पेट्रोल आया। तो गाइस टंकी हो चुकी है पूरी हंटर की और बस अब चलते हैं। चलो चलो तो गाइस हम आ चुके हैं हंटर 350 पे और अब देखते हैं इसको चला के कैसी है। बाकी मीटर देख लो, सही मीटर है इसका भी, टीवीएस रोनिन के जैसा ही है ऑफसेट इस साइड को। करते हैं स्टार्ट, काफ़ी स्मूथ है, आवाज़ काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड भी है।
वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो चलो चलते हैं, फर्स्ट गियर पड़ चुका है और चलते हैं। काफ़ी स्मूथ है चलाने में। अच्छी है, nice. बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है बाइक चलाने में, काफ़ी स्मूथ है। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है, बाकी छोटी सी बहुत है, मतलब ऐसे जिगजैग करने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे नॉर्मल आपकी दूसरी एनफील्ड क्लासिक वगैरह होती है जो स्टैंडर्ड होती है, वैसी नहीं है, उससे तो काफ़ी अलग चल रही है ये। बाकी सही है रिस्पॉन्स, काफ़ी थोड़ा खींच के देखते हैं कि कैसी है। ब्रेक्स भी ठीक ठीक है, ब्रेक्स अच्छी है, वाइब्रेशन भी उतनी नहीं है और ब्रेक्स भी काफी अच्छी है। फर्स्ट इंप्रेशन वेरी गुड, लेने लायक बाइक है, थम्स अप। मिरर पे आ रही है वाइब्रेशन, तो गाइस चलने में बहुत अच्छी है बाइक और स्मूथ है काफ़ी। पिकअप भी काफ़ी अच्छा ले रही है और काफ़ी स्मूथ चल रही है, भगाने में भी अच्छी है। तो बस इतना सा छोटा सा रिव्यू है मेरा इसके बारे में, अभी फर्स्ट इंप्रेशन यही है इस बाइक पे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब चलते हैं अपनी बाइक पे। सो गाइस अपने ग्रुप में ऐड हो चुकी है एक नई बाइक हंटर 350, इसकी डिलीवरी हमने आज ले ली है और मैंने आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन और राइड रिव्यू भी बता दिया कि कैसी है बाइक चलने में। तो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक मारना और कोई सजेशन होगी तो कमेंट करना। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मार के जाना। बाकी मिलते हैं किसी और बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।